स्वागत हो रहा है। आज इस वीडियो के सौजन्य से आप लोगों के लिए कुछ ऐसी चीज़ों से परिचित कराऊंगा जिनको आप जानते तो हैं किंतु उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप इतने पैसे वाले हो गए हैं, इतने घमंडी हो गए हैं कि अब आपको देसी जड़ी बूटियों के उपयोग करने से आप अपने आप को दूर रखते हैं, बचा के रखते हैं। और लंबी लंबी कतारों में बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं, डिग्री होल्डर हैं, वहाँ लाइनअप होने के लिए आप पैसा देते हैं, कमीशन देते हैं, और या फिर भीड़ में धक्का मुक्की का मज़ा लेते हैं जा करके, या फिर इमरजेंसी फीस देते हैं कि डॉक्टर साहब आप हमारा चेकअप कर लीजिए। छोटी छोटी बीमारियाँ, फुंसी भी निकल आती है तो भागते हो डॉक्टर के पास, कहीं नासूर ना हो। कील मुहासे भी निकल आते हैं तो लड़कियां महंगी महंगी अनाप शनाप यूट्यूब में देख करके, गूगल पे देख करके क्रीम लगाती हैं और उनका चेहरा और पहले से ज़्यादा बुरा हो जाता है। आज इस वीडियो में कुछ ऐसी ही चर्चा उपयोगी जानकारी आप तक भेजी जाएगी जो हमारे बड़े बूढ़े लोग पहले से ही नीम की पत्ती और नीम की छाल का उपयोग करते थे। आइए जानते हैं ये किस किस काम में आते हैं, कैसे प्रयोग करें इसका। भाई और बहनों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। हमारी जो भी आयुर्वेद की, हो सकता है किसी किसी वीडियो में हमारी भाषा आपके लिए ऐसी लगती हो या सामाजिक भाषा है, असभ्यता है, तो आप हमारी कमियों पर ध्यान ना दें, अच्छाइयों को ग्रहण करें और उसको आगे बढ़ाएं। संपूर्ण कोई नहीं, जिन देवी देवताओं की तुम पूजा करते हो उनमें भी अगर निकाली जाए तो 50 कमियां निकलेंगी। जिस बाप ने तुम्हारे को पैदा किया, जिस माँ ने तुम्हें अपनी योनि के द्वार से निकाला और 9 महीने का दर्द सहा, उसमें भी कई कमियां पाई जाएंगी, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। जहाँ गुण होंगे वहाँ दोष भी होंगे, तो निश्चित रूप से मेरे अंदर भी कुछ दोष होंगे जो तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे और मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो आप उन दोषों को छोड़ करके अच्छाई को ग्रहण करो। जैसे कि सारस हंस होता है, वो पानी में से दूध को खींच लेता है और पानी को छोड़ देता है। संत हंस गुण गहे पय परिहरि बारी विकार। जो पानी होता है, जो असार होता है, उसे हंस छोड़ देता है, दूध खींच लेता है। इस तरह से काम करिए। या फिर दूसरा उदाहरण है कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को घेले थोता दे उड़ा। जैसे कि हम सूप से दाल साफ करते हैं, चावल फटकते हैं, है ना, घरों में जो गेहूं को फटकने वाला होता है ना, अब पूरी इंडिया में क्या क्या बोला जाता है आई डोंट नो, कहां पर क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश में उसको सूप बोलते हैं, जिसमें अनाज को फटकती हैं महिलाएं। तो कचरा निकाल देती हैं, अच्छी चीज़ को रख लेती हैं। तो मेरा सुझाव है आप हमारी अच्छाइयों को ग्रहण करें और उनको आगे बढ़ाएं, ताकि आप अपना 70% बीमारियों का उपचार घर बैठे आयुर्वेदा के माध्यम से आसानी से कर सकें, जिससे आपका धन भी बचे, तन भी बचे और खुद अपने घर बैठे डॉक्टर बने। ये कोई बुरी बात नहीं है, डॉक्टर बन जाना कोई बुरी बात नहीं है, वैद्य बन जाना कोई बुरी बात नहीं है, समझदार बन जाना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि कुत्ते भी अपना इलाज करना जानते हैं, बंदर भी अपना इलाज कर लेता है। आपने देखा है कुत्ते और बंदरों को कहीं पर इलाज करवाते हुए किसी डॉक्टर के पास में जाते हों वो? हाँ, किसी मानव के संपर्क में यदि पालतू हैं तो मानव ही उनको ले जाता है डॉक्टरों के पास, और मानव के पास रहने के कारण ही वो कमज़ोर हो जाता है उसका, उनके कुत्ते का मन, कुत्ते की तन की जो शक्ति है वो और कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रकृति के ऊपर रहते हैं। प्रकृति जब इनको भूख नहीं लगती है तो नहीं खाते हैं, नींद लगती है तो सो जाते हैं। इंसान ही है ऐसा कि जो प्रकृति के विरुद्ध चलता है, नींद आती है तो भी वो अपने काम में लगा रहता है, रात रात भर काम कर रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, तो आंखें नहीं फूटेंगी तो क्या फूटेगा।
लीवर खराब नहीं होगा तो क्या होगा? अधिक देर जागरण करने से लीवर और किडनी और हार्ट पे और आँखों पे बुरा प्रभाव पड़ता है और सिर के ऊपर सिर दर्द। तो मेरा यही इरादा है, मेरा यही प्रयास है कि आप लोगों को कम से कम 70% घर बैठे आपको वैद्य बना दूं, डॉक्टर बना दूं, ताकि आप अपना और अपने परिवार का उपचार आसानी से कर सकें। सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि ये जो हमारे लिए पेट में दर्द हुआ तो क्यों हुआ, इससे पहले हमने खाया क्या था, पिया क्या था, आपको मूल कारण समस्या का समझना होगा, उसके बाद उपचार करना आसान हो जाएगा। अगर नाक से खून गिरा तो क्यों गिरा, नकसीर क्यों फूटी, क्या आप धूप में चल के आए थे, क्या आपने कोई गर्म चीज़ें खाई थी, इन कारणों को आपको जानना होगा। जब आप कारण समझ जाएंगे किसी समस्या का तो निराकरण भी आसान हो जाएगा। होता क्या, छोटी सी चोट लगती है आज हमारे गांव में, और हम आज भी करते हैं, हमारे गाँव में जब कोई कील लग जाती थी, बच्चों के कोई लोहे की चोट लग जाती थी, तो पता है क्या करते थे, टिटनेस का इंजेक्शन लगवाने नहीं जाते थे, प्रथा ही नहीं थी इतना, कहते थे अपनी पेशाब डाल दो इसमें, तो पेशाब कर दी जाती थी जहाँ पे लोहे की चोट लगी है, तो उससे टेट्रामाइसिन इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत नहीं रहती थी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण, मैं आज भी कहीं कोई इंजेक्शन नहीं, एक कई बार कुत्ते ने भी हमको काटा, लेकिन देसी जड़ी बूटी के माध्यम से हमने और अपने मिलने वालों का हमने उपचार कर दिया। किसी दिन हम उस कुत्ते की काटने वाली औषधि पर भी बोलेंगे, लेकिन आज नीम की पत्तियां और उसकी छाल का उपयोग कैसे करें, सबसे पहले आपको जानना है कि नीम की वैल्यू क्या है। आज हम लोग इतने स्वार्थी होते चले जा रहे हैं कि वृक्षों का कटान लगातार चल रहा है, पर्यावरण की हानि हो रही है। नीम 18 से 20 घंटे आपको ऑक्सीजन देता है। आज जिन लोगों का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, वो कृत्रिम जीवन जीने के आदि हो गए, एसी में पड़े हुए, उनके फेफड़ों में पंपिंग करने की क्षमता कम हो गई है, तो तुम्हें प्रकृति की ओर, आयुर्वेद की ओर लौटना होगा, नहीं तो मर जाओगे, ऐसे ही कुत्ते की मौत मरोगे, चाहे कोरोना के नाम पे मरो, चाहे कैंसर के नाम पे मरो, ऐसे ही तुम्हें मरना होगा तड़प तड़प करके, और तुम्हारा अपना भी तुम्हारे पास नहीं होगा पानी देने के लिए, या फिर तुम्हारे मुँह में पेशाब करने वाला भी कोई नहीं होगा, तुम्हारी बॉडी को भी। देखो ये कितनी दुर्दशा है, कितना दुर्भाग्य है कि तुम्हारे ये पाप कर्मों का ही फल है, तुम्हारी अज्ञानता का ही है, तुम्हारे अहंकार का ही परिणाम है, या आज प्रकृति का कहर समझो, या फिर डॉक्टरों की लूटमार, डॉक्टरों का भ्रष्टाचार, तुम्हारे देश के नेताओं का भ्रष्टाचार, कि तुम्हारी बॉडी के लिए गंगा जीओं में बहाया जा रहा है। अस्पताल में तुमको ऐसे ऐसे इंजेक्शन लगाए जाते हैं, या तो तुम्हारा किडनी फेल हो जाता है, या फिर आपका हार्ट फेल हो जाता है, तुम झेल ही नहीं पाते हो, तुम्हें परिवार से नहीं मिलने दिया जाता है, या फिर यों को इतना दहशत में तुम्हें रखा जा रहा है, इतना प्रचारित किया जा रहा है इस महामारी का, कि तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारी बॉडी को छूने से घबराते हैं, और सरकारी कर्मचारियों के हवाले बॉडी रहती है, और वहीं पे दूर से देख करके प्रणाम कर लेते हैं, अब तुमसे कोई नाता नहीं। जिस शरीर से तुमने लाखों करोड़ों अरबों से कमा के तुम्हारी औलाद को, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चों को दिया, क्या फ़ायदा हुआ, मरते समय तुम उनको देख नहीं पा रहे, उनको कुछ बता नहीं पा रहे, अपनी फीलिंग को नहीं प्रकट कर पा रहे हो, धिक्कार ऐसी ज़िंदगी के लिए। तो कोई तो ऐसा कारण होगा जिसकी वजह से तुम्हारे और तुम्हारे शरीर की इतनी दुर्दशा हो रही है। उसका मूल कारण है कि तुम प्रकृति से भटक गए हो, तुम्हारी जो लाइफ स्टाइल है बिल्कुल ही बिगड़ चुकी है, तुम इतने मकान बनाने में, इतने फैक्ट्रियां चलाने में, इतना भ्रष्टाचार करने में, इतनी नौकरी गधे की तरह करने में इतने मगरूर हो गए हो, या मशगूल हो गए हो, कि तुम्हें अपने शरीर का, तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान ही नहीं रहा है। क्या तुम्हें पता है, अगर कोई व्यक्ति एक महीने तक खाट पे पड़ा रह करके लैट्रिन पेशाब करे, तो उसके खुद की पत्नी सोचने लगती है, या तो भगवान इसे सही कर दो, या इसको उठा लो, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी पुत्र वधु तुमसे बचने लगेंगे। हमारे ऐसे कई लोग के लिए कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट आई, घरों में वो क्वारंटाइन किए गए, उनके सगे पुत्र वधु, सगे पुत्र वधु जिनको वो लाखों के गहने बनवा करके गए, करोड़ों का मकान छोड़ करके गए,
ऐसे कई सारे लोग हमारे संपर्क में आए जिनकी बॉडी को हाथ नहीं लगा रहे थे, जिन पे जिनके लिए ऑक्सीजन नहीं लगाना चाह रहे थे कि मैं अपने हाथों से नहीं लगाऊंगा कहीं मैं संक्रमित ना हो जाऊं। तो तुम ऐसे लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? अपना जीवन अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, परमात्मा के ध्यान ज्ञान को उपलब्ध होने के लिए प्रयोग करिए। कोल्हू के बैल की तरह दिन रात तुमने जो है मेहनत किया, कुत्ते की तरह दिन रात तुमने चौखट पे बैठ के चौकीदारी की अपने मकान की, कि मैं अपने प्लॉट की, अपनी जमीन जायदाद की। आखिर क्या हुआ, क्या गया तुम्हारे साथ में? यह वीडियो बड़ी आध्यात्मिक बनती जा रही है। मैं बोल कुछ रहा हूँ, बोलना कुछ चाहता हूँ, यह सब ईश्वर की कृपा है या फिर तुम्हारी ज़रूरत है? कई लोग कहते हैं कि गुरुदेव आप सेक्स पे बहुत बोलिए, काम पे बहुत बोलिए, आराम पे बोलो। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुझसे बुलवाया जा रहा है। आज के जो हालात हैं, जो आज की परिस्थितियाँ हैं, उन पे बोलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे ही मारे जाओगे, ऐसे ही तुम्हारे जीवन का, शरीर का खात्मा होगा। अगर तुम अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखोगे, हमारे यहाँ कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हो पास में माया। जब पहला सुख ही नहीं है, तुम तो अपने हथियार से बेकार हो रहे, लौड़े से बेकार हो रहे, आँखों से बेकार हो रहे हो, फेफड़ों से बेकार हो रहे हो, तो कहाँ गई वो तुम्हारी इकट्ठी की हुई दौलत? कहाँ काम आई वो तुम्हारी संपत्ति? हैं, तुम्हारी संपत्ति? पता है, एक सूत्रकार ने लिखा है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। तुम इतना धन दौलत इकट्ठा करके छोड़ के जाते हो अपनी आस औलाद के लिए कि 7 पीढ़ियों का इंतजाम कर रहे हो। अगर वो सपूत है तो खुद कमा लेगा, खुद अपना परवरिश कर लेगा, पालन पोषण कर लेगा। यदि वो साला कपूत है तो बर्बाद कर देगा। और तुम तो केवल एक कमाई के टट्टू हो गए, कमाने वाले टट्टू। तो टट्टुओ, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि अपनी ओर लौटो, अपनी आत्मा की ओर लौटो, शरीर को स्वस्थ बनाओ, बेहतर बनाओ। अब आते हैं नीम की पत्तियों को और नीम की छाल का उपयोग कैसे करें। हमारे गांवों में जब बचपन में जब आम बहुत खाते थे, अमिया बहुत खाते थे लड़के लोग, तो उससे 2-3 साइड इफ़ेक्ट होते थे कच्ची अमिया खाने से। बच्चों को तो पता नहीं था। एक तो आँखों में जलन होती थी, आई फ्लू हो जाता था। दूसरा, फोड़े फुंसी बहुत निकलते थे, पूरे शरीर में खुजली खुजली। गर्मी के मौसम में कच्ची आम खाने का मतलब जानते हो, खून में अग्नि तत्व का पड़ जाना, फट फूट फूट के निकलता था वो, बड़े चीखते थे, चिल्लाते थे। तीसरा साइड इफ़ेक्ट होता था, उस अमिया से दांतों से खून हमारे निकलने लगता था। हमारे नहीं, और भी बच्चों को ये इफ़ेक्ट होता था। तो जो हमारे बड़े बूढ़े थे वो पता है नीम की पत्तियों को पीस करके, नीम की छाल को घिस करके उन फोड़ा फुंसी पर लगाया जाता था। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जिस किसी के आँखों में जलन होती है आज गर्मियों में निकलने के कारण, धूप में निकलने की वजह से, नीम की पत्तियों को आप पीस लो बारीक, उसका पेस्ट बना लीजिए, और उस पेस्ट को आँखें बंद करके आप टिक्की सी बना करके, आधा इंच मोटी टिक्की बना के गोलाकार में आँखों पर रख लें। इससे नेत्र ज्योति बढ़ेगी, आँखों के नीचे जो काला काला ब्लैक डार्क माने डार्क साइंस जो होते हैं वो खत्म हो जाएंगे। आँखों का मोतियाबिंद है उसमें भी ये निराकरण करेगा, क्योंकि इसका रस भी आपके आँखों में चला ही जाएगा, थोड़ा बहुत, कोई भी नुकसान नहीं होगा। यदि आपके लिए आँखों में जलन होता है और खुजली मचता है, उसमें भी ये लाभ करेगा। दूसरा उपाय, यदि किसी के सिर में दर्द होता है तो नीम की पत्तियों को पीस करके उसमें नीम की पत्तियों से आधी मात्रा में, अगर 2 चम्मच नीम की पत्ती है तो 1 चम्मच सफ़ेद चंदन का बुरादा इसमें मिला के पेस्ट बना के अपने कपाल पे लेप कर लो, माथे पर। जो सफ़ेद चंदन लगाने की प्रथा है हिंदू सनातन संस्कृति में, उसके पीछे का लॉजिक यही है कि साधना करने से, तप करने से, पढ़ाई अध्ययन करने से, या फिर गर्मी में निकलने के कारण, या फिर किसी के सिर में दर्द है, गर्मी है, थकान है, सुस्ती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो वो लोग इस तरीके से लेप कर लें, आधा इंच मोटी पपड़ी बना करके
उसकी वो रख लीजिए अपने माथे पर। इससे आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, आप लगा के देखिए। दूसरा उपचार, जो माताएं बहनों के बाल बेरुखे हो गए, जो भाई बंधु अपने बालों की चमक को बढ़ाना चाहते हैं, अब ये मत कहना गुरुजी आप क्यों नहीं लगाते, मैं तो फिर मैं वही बात कह दूंगा तो झेल नहीं पाओगे। कौन सी बात? अरे हमारे बालों की चिंता मत करो, हमें कोई शादी ब्याह नहीं करना है, हमें लड़कियों को अट्रैक्ट नहीं करना है। यदि तुम्हें अपने बालों की चिंता है तो अपने उपचार पर ध्यान दो, गुरुजी के कपाल पे खोपड़ी पे ध्यान ना दीजिए। क्योंकि गुरुजी की क्या तुम शादी करवाना चाहते हो अपनी बहन के साथ या अपनी बेटी के साथ? यदि ऐसा हो तो मुझे बता देना, मैं भी हिफाजत करना शुरू कर दूंगा बालों की। समझे या नहीं समझे? तो नीम का पेस्ट बना करके, नीम का पेस्ट बनाइए और उसमें नींबू मिला करके आप अपने बालों की जड़ों में लगाएं, इससे रूसी खत्म हो जाएगी, बालों का कम उम्र में पकना और झड़ना खत्म हो जाएगा और बालों की चमक भी बढ़ेगी। आप चाहें तो इसमें एक चम्मच शहद भी मिला सकते हैं, लेकिन शुद्ध शहद हो, और एक घंटे लगाने के बाद आप छुटा सकते हैं। और अगर पूरी बॉडी पे आपको मालिश करनी है, इस तरह से आपको लेना है कि नीम की छाल और नीम की पत्ती और उसमें 1/2 हिस्सा ओरिजिनल हल्दी का पाउडर मिला करके यदि आप अपनी पूरी बॉडी पे लेप करते हैं तो आपको जो त्वचा संबंधित परेशानियां हैं, जिनके चकत्ते जैसे हैं, धूप में निकलते हैं तो लाल लाल दाने से निकल आते हैं, कुछ भी होता है, क्योंकि ये एंटी फंगल भी है, एंटी बैक्टीरियल भी चीज़ें हैं, आप इसको लगाओ तो जिनको त्वचा का कैंसर होता है, दाद खाज खुजली होता है, ऐसे लोग इस तरह का लेप लगा सकते हैं कम से कम 1 से 2 घंटे। ठीक है, जिन माताओं बहनों के योनि में दुर्गंध आता है या फिर खुजली हो जाता है, दाद हो जाता है, ऐसे पुरुषों के लिंग में उपदंश की शिकायत है, तो वो नीम के पेस्ट में कपूर मिला करके, भीमसेनी कपूर, माने अगर पेस्ट 2 चम्मच है तो 4 गेहूं के दाने के बराबर भीमसेनी कपूर का पाउडर उसमें पेस्ट में मिला लो, और वो अपने जो गुप्त रोग हैं, तुम्हें दाद खाज खुजली है, आप उस पर लेप लगाइए, फिर देखिए चमत्कार। इस तरह से आप अपने पूरे शरीर के लिए, के त्वचा के लिए आप बेहतर बना सकते हैं। और साथ में जिन भाइयों के शरीर में ज़्यादा गर्मी हो गई है, तो पता है आपने देखा होगा ये कंपनी वाले पैड देते हैं तलवों में लगाने के लिए, सोल पैड होते हैं ना, और क्या नाम होता है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो वो तलवों में लगा देते हैं, इसकी जगह पर आप रात्रि में नीम की छाल, नीम की पत्ती और उसमें नींबू नचोड़ करके आप उसके तलवों पे और पैर की उंगलियों पर ऊपर से लेप कर दीजिए, और उस पर सूखने के थोड़े बाद आप सूती कपड़ा लपेट दो पट्टी की तरह, सुबह निकालोगे कितना रिलैक्स महसूस करेंगे, आपकी गंदगी को वो खींच लेगा। तो भाइयों वृक्षों को बढ़ावा दीजिए, प्रकृति की ओर लौटो, क्योंकि ये वृक्ष और वनस्पति मानव का मित्र है, मानव जीवन का। वनस्पति ही पहले पैदा हुई थी इस धरती के अंदर, जीवन अगर जीवन की शुरुआत हुई तो वो वनस्पति से ही हुई है, अमीबा से ही हुई है, काई से ही हुई है, तो हमें वनस्पति का ध्यान रखना है। हालांकि सनातन धर्म में वृक्षों की पूजा का महत्व इसीलिए है, जानते थे लेकिन अब थोड़े ज़्यादा मॉडर्न हो गए, इसलिए हिंदू की जिंदगी भी झंड हो गई है। अगर अपनी और अपनी पत्नी की, अपने बच्चों की जिंदगी को झंड होने से बचाना चाहते हो तो तुम्हें लौटना होगा आयुर्वेद और नेचुरोपैथी की ओर। फिर मिलूंगा नई जानकारी के साथ, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो और हमने अगर इस वीडियो में आपको लगता है कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया हो जिनके कारण आप वीडियो आगे नहीं भेज पाते हैं, तो आप इस वीडियो को आगे भेज सकते हैं ताकि बहुतों का कल्याण हो।
बहुतों का भला हो, है ना। और एक बात और, आप नीम के पत्तियों का एक चम्मच रस माने 10 ml, बच्चों को 5 ml, यदि किसी बच्चे के पेट में कीड़े हैं या आदमी के लिए पीलिया की शिकायत है, वैसे तो बहुत ज़्यादा मैं इसके फायदे जानता हूँ, तो एक चम्मच शहद में एक चम्मच नीम के पत्तों का रस निकाल के सुबह को चटा देना चाहिए मिक्स करके, और बच्चे हैं तो पीलिया की शिकायत नहीं होगी, ज्वाइंटिस की शिकायत नहीं होगी, खून की कमी नहीं होगी और शरीर स्वस्थ और चमकदार बन जाएगा। या और खुजली, जिनको परमानेंट एलर्जी की शिकायत है त्वचा से जुड़ा हुआ, जिनके खून में गर्मी ज़्यादा है, मसाने पे मैदा पे गर्मी ज़्यादा है, पेशाब में जलन आता है, तो ऐसे लोग 2 टाइम ये सुबह खाली पेट और शाम को 3 से 5 बजे के समय आप ये इस्तेमाल करिए। और चिकनी चुपड़ी, गरम मसाले, मिर्च मसाले, तले भुने मैगी है, ब्रेड पकौड़ा है और समोसा है, टिक्की है और बर्गर है, पिज्ज़ा है, ऐसी चीज़ों का प्रयोग ना करें, कम से कम करें, नहीं तो तुम्हारी जींस फट के हाथ में आ जाएगी, चाहे तुम लड़की हो या लड़का। ओम शांति, ओम क्रांति।